पास नहीं है ये सब कुछ। साशा, मलिया, हम होंगे कामयाब। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, मुझे निकलना चाहिए। डैड, अब आप योगा ट्राई करके देखो। आप ही ने कहा था ना हमें साथ वक्त बिताना चाहिए। मुझे पता नहीं कि मैं कैसे उसकी बातों में आकर इस फालतू योगा क्लास के लिए मान गया। तुम्हारे इरादे कमजोर हैं बेटा। अच्छा, तो आप यहाँ क्यों आए? दो वजह हैं। पहली, हेलो लेडीज। शायद वो अपनी मॉम को खोने की वजह से दुखी है, थोड़ी सी परेशान है कि उससे रिश्ता मजबूत कैसे करूं। तुम पजामे में क्यों घूम रही है? हम सबको चर्च जाना है ना। इस हफ्ते मैं चर्च नहीं आऊंगी। एक बात जान लो कि जो भी इस घर में रहेगा उसे चर्च जाना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा कि तुम आए, और भी अच्छा लगता अगर तुम मेरे लिए पेस्ट्री लेकर आती। ईश्वर महान है। हाँ वो तो है। वैसे तुम एक बात बता दो चाचा, अब मुझे डायबिटीज बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसमें से आधा मैं खाऊंगा। चील की नजर है इसकी। डैड, ये क्या पहना है आपने? ये लेटेस्ट स्किनी जीन्स है और इसमें आपकी हवा टाइट हो जाएगी। ये मेरा गरा, आज सारे जम पीऊंगा। इसे टिकटॉक पे डालना। नहीं, मेरे फॉलोअर्स भाग जाएंगे। फॉक्स, ये क्या कर रहे हैं आप? यहाँ तो जैसे गांजे की खेती हो रही है। आप नॉर्मल बाप की तरह क्यों नहीं रहते? बस चुपचाप पीजिए और कहीं पड़े रहिए। और ये 2019 है बावली पूंछ। नहीं, ये 2021 है मेरे चर्सी बाप। साल ये दवाई तो कमाल की है। गर्ल हूँ और मैं लड़कों से दोस्ती करूंगी। और मैं एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक मर्द हूँ और मैं उन लड़कों की वाट लगा दूंगा। डैड रिलैक्स, आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरा जवाब है नहीं। तुम किसी अजनबी लड़के को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाओगी, क्योंकि ये जो लड़के होते हैं ना, कोई स्टंट गाड़ी में मारते रहते हैं।